जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूँ आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, फाइनली दोस्तों एसएससी जीडी का जो मेडिकल है मेरा कंप्लीट हो चुका है और रिव्यू के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट भी हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, जानकारी पूरी लेकर आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने कि आपका अगर मेडिकल है अभी आने वाले टाइम में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, और क्या नए बदलाव किए गए इस बार नए मेडिकल में, क्योंकि पुराना जो मेडिकल हुआ था 2019 में हुआ था, आप सभी को बताया 2019 वाले वैकेंसी में, इस बार क्या नए चेंज किए गए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। देखिए दोस्तों, आज का जो रिव्यू है मैं खुद आपको देने वाला हूँ, किसी स्टूडेंट को बैठाकर मैं यहाँ पर नहीं पूछने वाला हूँ, क्योंकि खुद मेरे साथ जो हुआ है वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और मेरा रिजल्ट क्या रहा वो आपको दोस्तों मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा, क्या मैं फिट रहा या अनफिट रहा, या दोस्तों मुझे रीमेडिकल मिला, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को भाई बिल्कुल शुरू से एंड तक देखिएगा, एक एक सेकंड वीडियो का इंपॉर्टेंट है अगर आपका मेडिकल है। अगर आपका अभी नहीं है, आने वाले टाइम में आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए हो जाता है वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप मेडिकल देने जाए तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आप सभी को मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो भाई अपने फोन को कम से कम दोस्तों 5 से 10 दिन पहले छोड़ दीजिए चलाना। जी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि खुद दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखिए दोस्तों, जब आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो आंखों पर डिफेक्ट होता है और सर में दोस्तों बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और आंखों पर दोस्तों प्रभाव ऐसा पड़ता है कि आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि भाई फोन को कम यूज करें मेडिकल के टाइम, ठीक है भाई, क्योंकि आंखों का आपका टेस्ट किया जाएगा और अगर आपकी आंखों में कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो भाई आपको रीमेडिकल या आपको अनफिट भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों फोन से दूरी बनाकर रखें। नंबर दूसरी बात यह है कि भाई आप अगर मेडिकल देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देना है। जो दोस्तों आप एक्टिविटी करते थे पहले वो चीज आपको नहीं करनी है, यानी आपको पहले डेली ब्रश करना है, दांतों पर दोस्तों अच्छे से फोकस करना है, कटिंग वगैरह आपकी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि बाल बड़े बड़े हों, ऐसा नहीं है। जब भी आप मेडिकल देने जाएं तो ढीले कपड़े पहन के जाएं, जैसे ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, यही टी शर्ट थी जब मैं पहन कर गया था वहाँ मेडिकल देने, यही टी शर्ट थी, 2 टी शर्ट ले गया था मैं रख के, ऐसी टी शर्ट थी, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट, जो आपका शॉर्ट दोस्तों लोवर होता है उसे भी ले जा सकते हैं, या दोस्तों आप लोवर वगैरह में जा सकते हैं, बिल्कुल टाइट कपड़े पहनकर नहीं जाना है। हो सके तो दोस्तों चप्पल में यानी स्लीपर में आप मेडिकल देने जाएं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई वो आपको कम से कम 15-15, 16-16 घंटे दोस्तों बैठा कर रखेंगे। अगर आप जूते पहन के रखेंगे इतने घंटे तो आपको दोस्तों पैर भी दर्द करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपसे चला भी नहीं जाएगा, रियल बात तो यही। मैं तो भाई चप्पल में गया था, स्लीपर में गया था, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। टेंशन नहीं लेना दोस्तों कि चप्पल में जाएंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा, आप स्लीपर में जा सकते हैं, ठीक है, चप्पल में जा सकते हैं पहन के आराम से मेडिकल, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों करना क्या, आपको सारे जितने भी दोस्तों अपने बॉडी के पार्ट में जैसे कटिंग वगैरह सब कुछ करा के जाए, शेविंग वगैरह, और जितने भी दोस्तों प्राइवेट पार्ट के बाल वगैरह हैं सबको दोस्तों अच्छे से काट के जाइएगा, रियल बता रहा हूँ मैं, कोई चीज़ हंसने वाली बात नहीं है, जो चीज़ होती है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको सारा कुछ जाना है, ये प्राइवेट पार्ट जो भी होता है, यहाँ के बाल और नीचे ऊपर सबके बाल आपको काट के जाने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों करना क्या आपको, देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर जो है, जब भी आपका मेडिकल रहे कम से कम 4 से 5 दिन पहले आपको अपना सारा सामान जो है पैक कर लेना है, ठीक है, सारा सामान जितना भी होता है वो सब कुछ पैक कर लेना है, जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह है सब कुछ अपने साथ ले लेने हैं। और देखिए बात आती है डॉक्यूमेंट को लेकर, तो डॉक्यूमेंट आपके केवल 4 जा रहे हैं वहां पर। एक तो सबसे पहले आपकी दोस्तों 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मत ले जाइए, जो आपने फिलअप किया है 10th की मार्कशीट आपके पास है वो, उसकी दोस्तों 2 फोटोकॉपी ले जाइए। उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं यहाँ पर आपके डोमेसाइल यानी जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका जाएगा। और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भाई काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बच्चों को बाहर किया जा रहा है, कैसे, स्टेट का, जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई जैसे एससी का बच्चा है, एससी का बच्चा दोस्तों स्टेट का सर्टिफिकेट ले जा रहा है वहाँ पर, लेकिन एससी का जो बच्चा है उसका स्टेट का सर्टिफिकेट अलाउ नहीं है, आप जिस स्टेट से उसका अलाउ नहीं करेगा, आपको दोस्तों सेंट्रल लेवल का ही जाति प्रमाण पत्र यानी दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर ले जाना है। अभी तक नहीं बनवाए, बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट कभी का हो चल जाएगा,
कभी कभी हो, चल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और वो दिक्कत करते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, भाई चल जाता है। और अभी क्या होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखे आता है ऊपर, ठीक है, हमारा जो ऊपर बना होता है जो भी हमारा कास्ट शेड्यूल, उसको मना कर रहा था मेरे को, लेकिन मैंने बोला सर ये न्यू फॉर्मेट में बना है और ये ही बन रहा है, आप सर से बात कर लीजिए अपने जो भी आपके आपके सर उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने बोला मैं सर से बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ये चल रहा है, ये न्यू अभी न्यू फॉर्मेट बन के आ रहा है, तो सब चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका केंद्र का होना चाहिए, यानी आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तीन चीज तो होगी, जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवास प्रमाण पत्र और दोस्तों आपकी टेंथ की मार्कशीट। चौथी चीज क्या लग रही है, चौथी चीज दोस्तों आपका आधार कार्ड लग रहा है, ठीक है, आपका कोई भी एक पहचान पत्र हो वो आपका लग जाएगा। तो ये चार चीजें हैं जो आपको लेकर जानी है दोस्तों, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपकी चार चीजें लगेंगी, वो आपको लेकर जानी है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी चीज आपकी नहीं लग रही है भाई, और फोटो, जी फोटो पर आपको विशेष ध्यान देना है, फोटो आपको कम से कम 4 से 5 फोटो ले जाने हैं। क्या वही फोटो लगेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में लगे हुए हैं? नहीं, कोई से भी 4 फोटो आप ले जा सकते हैं, चाहे आज खिंचवाइए, चाहे दोस्तों आप जब आप मेडिकल हो तब खिंचवा लीजिए, कोई से भी 4 फोटो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो भाई बात हुई उसकी कि जो आपका मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसको लेकर, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल में दोस्तों क्या क्या आपका हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों मेडिकल में जो हो रहा है, सबसे पहले आपको वो जब पहले आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, यानी दोस्तों आपका जो यूरिन टेस्ट सभी को पता है किसे बोलते हैं, यानी मूत्र टेस्ट जो होता है वो होता। उसके बाद दोस्तों ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका एक्सरे कराया जाएगा। यानी पहले दिन ये तीन चीजें हो रही हैं। मेडिकल जो है 2 से 3 दिन चल रहा है, मेरा 2 दिन में हुआ था कंप्लीट, 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था। पहले दिन दोस्तों यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और दोस्तों एक्सरे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों इनको पहले करा लेते हैं वो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं तो एक साथ रिपोर्ट आ नहीं सकती है, काफी टाइम भी लगता है, इसलिए दोस्तों पहले दिन ये तीन चीजें हो रही हैं। और इसका दोस्तों ये तीन चीजों में करने के लिए वो काफी ज्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि भाई 90 लोग आ रहे हैं। मेरा जो मेडिकल था दोस्तों वो था बीकानेर राजस्थान में, 12 तारीख को था मेरा, और पहले दिन दोस्तों हुआ था वहां पर मेरे तीन चीज हुई थी, मैंने अभी आपको बताया, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और दोस्तों एक्सरे, ये तीन चीज वो करा रहे हैं। दोस्तों स्टाफ काफी अच्छा है भाई, मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको, जो भी चीज आपको नहीं पता है आप एक बार पूछिए, 10 बार पूछिए, वो बता रहे हैं, ठीक है, डरना नहीं है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है पूछ सकते हो जाके। और बहुत ज्यादा हेल्पफुल स्टाफ है भाई, बहुत ज्यादा मेहनती स्टाफ है, ये समझिए आपसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं लोग। कैसे, सुबह के 5 बजे वो जागते हैं और रात के दोस्तों 1 बजे तक वो काम करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों इतना ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर कि बहुत ज्यादा। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि हम तो एक दिन में ही दोस्तों थक गए हैं, वो भाई यहाँ पर जब तक मेडिकल चलेगा ना तब तक वो लगे हुए हैं लोग, सीनियर से लेकर जूनियर तक, जो सीनियर अधिकारी है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी दोस्तों रात के 12-12 एक बजे सो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई कितना प्रेशर है उन लोगों के लिए, जब भी वो अच्छे से बात कर रहे हैं भाई, इतने अच्छे से कोई बात नहीं करता, कोई गाली वगैरह कुछ नहीं, आपने देखा होगा ना आर्मी वगैरह में गाली देते हैं, कोई ऐसे करते हैं कुछ नहीं भाई, आप के तुम के बात कर रहे हैं वो, इतना ज्यादा स्टाफ अच्छा लगा मुझे वहां पर, तो भाई समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका मेडिकल होगा तो आपको क्या क्या चेक होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए भाई मेडिकल में जैसे ही आप जाओगे तो आपको सारा भाई वो नंगा करा देंगे, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप सिर्फ अंडरवियर में रहोगे, बाकी सारे आपके कपड़े उतार दिए जाएंगे, अंडरवियर में रहोगे तो वहाँ पे डॉक्टर के सामने आपको जाएंगे, डॉक्टर आपसे पूछेगा भाई नाम वगैरह, आपका फादर नेम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह पूछ सकता है, तो आपको डरना नहीं है, जैसे डॉक्टर बोले ऐसे करना है, आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है डॉक्टर के सामने कि सर ऐसे नहीं ऐसे है, वो नहीं करना है, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ऐसा करोगे तो आपकी गलती और आप खुद भी उस गलती के चक्कर बाहर हो जाओगे, रियल बता रहा हूँ मैं। इसलिए आपको दोस्तों जैसा डॉक्टर बोले, गलत बोल रहा है गलत कीजिए, सही बोल रहा है सही कीजिए, डॉक्टर की भाषा में आप जैसा बोल रहा है कूदिए, बोल रहा है बैठिए लेटिए, जो भी कहे वो बोलिए, ठीक है, जो भी डॉक्टर बोले। और डॉक्टर से दोस्तों आपको जो है वहाँ पर जुबान नहीं लड़ानी है, जुबान लड़ाने मतलब समझ रहे हो, उसको दोस्तों उसके आगे आपको नहीं बोल रहा है, यानी उसकी बात को नहीं काटना है, जैसे वो बोले ठीक है सर, वो बोले ये नहीं चलता है ठीक है सर, आगे से सर ऐसा नहीं होगा सॉरी सर, बस ऐसा बोल देना। और डॉक्टर दोस्तों आपका भाई देखो, डॉक्टर वहाँ पर 3 थे, मेरा दोस्तों MU 3rd में था, यानी 1 से लेकर 30 तक MU 1st, 30 से लेकर 60 तक MU 2nd सॉरी, और 60 से लेकर 90 तक MU 3rd, मेरा 71 नंबर था चेस्ट नंबर, तो मेरा MU 3rd में था, ठीक है, 3 डॉक्टर थे, तीनों चेक कर रहे थे। तो मेरा वाला जो डॉक्टर था भाई काफ़ी अच्छा था, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा कि इतना ज़्यादा कोई नहीं करता था, इतना डॉक्टर ने किया था, वास्तव में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव डॉक्टर थे भाई, जैसा उन्होंने बोला मैं ऐसे करता गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया,
सबसे पहले दोस्तों उन्होंने मुझे चेक किया आगे से पीछे से, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है, चलवाया थोड़ा सा कि भाई चल के दिखाइए, ये करके दिखाइए, बांध फैलाइए, हाथ फैलाइए, ये दिखाइए, कोई दोस्तों आपका नस वगैरह जो होती हैं वो तो नहीं निकल रही हैं, ठीक है, वो सब चेक की, जिसे वेरी कुछ वेज बोलते हैं वो उनकी भाषा में, तो वो नस वगैरह सब ठीक ठाक थी, मेरी कोई डिफेक्ट नहीं था। अगर आपको कोई चोट का निशान है वो पूछेंगे कि ये क्या है, ये कब लगी चोट, तो ये क्या चीज़ है, पूछेंगे तो बोल देना सर बचपन में चोट लग गई थी, ऐसे बोल देना, जो भी आपकी चीज़ें भाई जो रियल है वो बताना। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो बोल देना सर ऑपरेशन हुआ है, अगर ऑपरेशन जल्दी में हुआ है तो दोस्तों जो भी आपका ऑपरेशन के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी आपके मेडिकल ऑपरेशन होता है तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वो आपको देते हैं डॉक्टर वगैरह, तो दिखाना सर इसका ऑपरेशन हुआ है, छुपाना कुछ चीज़ नहीं है, डॉक्टर से आप छुपाओगे तो गलती आपकी होगी, ठीक है भाई। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ें साफ साफ बोल देनी है, फिर वो दोस्तों आपका वो पढ़वाएंगे 25 सेंटीमीटर से कि इसे पढ़ के दिखाइए, एक आपको इतना बड़ा दोस्तों कागज़ देंगे उस पर कुछ लिखा होता है उसको आपको पढ़ के दिखाना है। उसके बाद क्या करेंगे, वो आपके कान में मशीन डालेंगे, ठीक है, बोलेंगे दिखाएंगे कि कान का पर्दा तो ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों उनके पास एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग होती है उसको अपनी टेबल में मारेंगे और आपके कान के पास लाएंगे, बोलेंगे आवाज़ आ रही है, जब आवाज़ आना बंद हो जाए तब मुझे बताना, हाथ ऐसे खड़ा करना। तो उन्होंने मेरे कान पे ऐसे लगाया, बहुत देर तक दोस्तों ऐसे मतलब वाइब्रेशन की आवाज़ आती रही। उसके बाद मैंने जब बंद होगी आवाज़ आनी तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी आप आवाज़ आ रहा है बंद हो चुकी है, वो बोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, उसके बाद मेरे दांत चेक किए, कोई अंदर तो कोई दांत टूटा हुआ नहीं, दांत का मतलब ये है कि भाई दांत पूरे नहीं है तो भी चल जाएगा, उल्टी सीधे दांत है तो तब भी चल जाते हैं, जैसे किसी के होते हैं ना दांत, किसी के दांत ऊपर आ गया तो भाई वो तो पहले से ही प्रकृति की देन होती है, यानी पहले से है। लेकिन दांत अगर गंदे हैं गुटखा वगैरह के दांत निशान हैं तो बाहर कर सकते हैं। अगर दांत में क्या है दो तीन दांत अगर नहीं है तो भाई बाहर कर सकते हैं, एक दांत चल जाएगा, अगर ज़्यादा दांत नहीं है तो वो बाहर कर देते हैं, ठीक है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है तब भी बाहर कर देंगे, दांत पूरे नहीं है कोई टेंशन नहीं है चल जाते हैं, ठीक है, मेरे दांत पूरे नहीं है जब भी चल गए भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नाक चेक करेंगे कि नाक के अंदर कोई दोस्तों जैसे कोई मांस वगैरह बढ़ जाता है वो तो नहीं, हड्डी वगैरह तो नहीं बढ़ी हुई है, वो चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी आंखों का टेस्ट किया जाएगा, यानी आंखों को पढ़वा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कलर विजन टेस्ट करेंगे, उनके पास एक बुक होती है, उस बुक में लिखा होता है नंबर वगैरह कि बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, वो तो आप कलर विजन तो आपने देखा ही होगा कि 10-12 ऐसे नंबर लिखे होते हैं तो आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों नंबर के अलावा उसमें कुछ आकृति भी लिखी होती है जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्न होता है तो आपको बोलते हैं। अब पैटर्न भी ऐसा नहीं कि आपने पैटर्न बोल दिया आपका काम खत्म, नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि बताइए पैटर्न में रास्ता कहाँ से होता है, कुछ ऐसे प्रकार से रास्ता होता है ना उन पैटर्न में, बताइए रास्ते कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ऐसे पूछेंगे तो आपको उंगली से बताना है कि सर रास्ता ऐसे 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 यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो क्या बोलेंगे आपसे, खड़े हो जाइए, वो खड़े बैठेंगे, उठिए, दंड बैठक मारिए, यानी ऊपर नीचे जो भी एक्सरसाइज वगैरह वो करवाएंगे, क्योंकि भाई देखते हैं कि कहीं से कोई हड्डी वगैरह तो क्रैक नहीं है। उसके बाद आपकी ये झुकिए, नीचे झुकिए, सब कुछ चेक करेंगे और नौकरी वगैरह चेक करेंगे। नौकरी वगैरह दोस्तों ऐसे भी चेक करा रहे हैं भाई, ये होता है ना कुछ ऐसे पैर खुलवा के भी चेक करा रहे हैं, अगर आपका पैर खुला के सट रहा है, घुटना सट रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ऐसे सट रहा है तो टेंशन आ सकती है, ऐसे सट रहा है ऐसे सबके सट जाते हैं, किसी के सर नहीं सटता है, लेकिन अगर ऐसे सट रहा है दोनों पैरों को मिला के घुटना सट रहा है तो दिक्कत आ सकती है, अगर ऐसे सट रहा है ना तो कोई टेंशन नहीं, मेरा भी सट जाता है ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे करके नहीं सटता है, ठीक है। तो डॉक्टर को एक ही बार में दोस्तों आपको सही उसके सामने छुपाना नहीं है, जो भी चीज़ें करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट पार्ट वो चेक करेंगे, प्राइवेट पार्ट तो आप समझ रहे हो, सब कुछ चेक करेंगे, वहीं आपके कपड़े वगैरह अंडरवियर वहीं उतार दिया जाएगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, शर्माते हो तो आपकी दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों वो फ्लैट वगैरह वगैरह देखो भाई, मेरा फ्लैट पैर चेक नहीं किया था, मेरा बीपी चेक नहीं किया था, अब डॉक्टर की बात है भाई, कोई डॉक्टर कोई चीज़ चेक करता है कोई छोड़ देता है, तो मेरा फ्लैट पैर नहीं चेक किया, उन्होंने पहले ही देख लेते हैं, वो आपका पैर उठवाएंगे, हाँ पैर उठा कर दिखाए से तो पैर उठा कर देख लेते हैं, उन्हें खुद पता चल जाता है भाई, MBBS डॉक्टर होते हैं ऐसा थोड़ी होता है, तो वो खुद चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका बीपी चेक करेंगे, तो बीपी आपको घबराना नहीं है, जो ज़्यादा घबराएगा उसका बीपी इतना ही ऊपर जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं, नॉर्मल रहना है। उसके बाद दोस्तों वो कानों में लगा कर जो डॉक्टर होते हैं ना वो चेक करते हैं, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टोमीटर वगैरह ऐसी कुछ बोलते हैं उसको, यहाँ पे आपको चेक करेंगे कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं, उससे वो चेक करते हैं बीपी वगैरह उसी से नाप लेते हैं, वैसे वो दिल की धड़कन चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे खांस के, जैसे जब वो प्राइवेट पार्ट चेक करेंगे तो आपसे खांस के बोलवाएंगे कि खांसी है, खांसो, दो तीन बार खसवाएंगे, वो देखेंगे कि भाई प्राइवेट पार्ट में जो पाइल्स की बीमारी तो वो तो नहीं है, वो चीज़ अब चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ चेक नहीं है, उसके बाद दोस्तों ये, हाँ ये जो होता है ना, ये क्या, ये टैटू वगैरह चेक करेंगे भाई, टैटू में रियल बताना, मुझे भी बोला था इसको निकलवा जोड़ लेना, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि चल जाएगा, नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाया ना तो देखो, यहाँ का जो टैटू होता है ना, यहाँ का राइट हैंड का जो टैटू होता है, यहाँ का होगा तो अगर नाम लिखा हुआ है कुछ भी धार्मिक चिन्ह उसमें दोस्तों अनफिट कर रहे हैं, रियल बात। मेरे साथ एक लड़का था,
बिजनौर का मोहित नाम है भाई उसका, उसको 4 दिन में दोस्तों बताया कि तू अनफिट है, और इसका उसने निकलवाया था भाई, उसने खुद निकलवाया था और उसको भाई बेचारे को अनफिट कर दिया। उसका भी ओम था, यहाँ पर ओम था, उसका थोड़ा थोड़ा काफ़ी साइज बड़ा था थोड़ा सा, मेरा छोटा साइज है, उसका साइज बड़ा था, यहाँ पे था, क्योंकि वो बोलते हैं भाई सैल्यूट करने में देखो ऐसे, ये तो छुप गया पीछे वाला मेरा तो, लेकिन वो यहाँ से दिखाई देगा सैल्यूट करने में, तो इसलिए दोस्तों वो यहाँ से ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आपका नहीं निकलवाया ना, निकलवा लीजिए, राइट हैंड पे है ना, कुछ भी चीज़ राइट हैंड पे है, चाहे कोहनी से ऊपर है चाहे कोहनी से नीचे है, वो दोस्तों बाहर कर रहा है। मुझे भी दोस्तों बोला है इसको निकलवाने के लिए, टैटू को इसको बोला है मुझे निकलवाने के लिए, इसको निकलवा जरूर लेना। अगर आपका इस हाथ पे है तो एक ये दोस्तों चल सकता है बोला है मैंने, अगर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ की जो चीज़ है उसको निकलवा के जरूर जाने आपको, वरना दोस्तों आपको बाहर वो कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, मैंने आपको सारी बातें बिल्कुल विस्तारपूर्वक बताई है। अगर आपका कोई डाउट रहता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ चेक करेंगे, ये चीज़ चेक नहीं करेंगे, तो इंस्टाग्राम पर जाइए। इंस्टाग्राम दोस्तों मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाइए और मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर मैसेज करोगे, कुछ लोग डरते हैं भाई प्राइवेट पार्ट को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अपना फोटो भेज सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है मैं बता दूंगा वहाँ पर कि भाई इसमें आपको बाहर करेंगे या नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पर जाइए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो भाई डाउनलोड कर लीजिए इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ से आप मुझे सीधे जुड़ सकते हैं, मैं सीधे ही आपको बता दूंगा कि भाई ये चीज़ ख़राब है, ये इस चीज़ में आपको बाहर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद दोस्तों मेडिकल में, मेरा मेडिकल हुआ है, और इस चीज़ को लेकर मुझे बस इस चीज़ में दोस्तों पॉइंट नहीं मिला है, इस चीज़ में बोला है उन्होंने कि इसको निकलवाना है, बस आपको इसको निकलवाना है, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। और मेरा भी अच्छे से मेडिकल हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है डॉक्टर के सामने, अगर आप ओवर एक्टिंग करेंगे ना तो सीधे सीधे आपको डॉक्टर वहाँ पर बाहर कर देगा। और हाँ, जो आंखों का टेस्ट होता है ना, जो ABCD लिखी होती है, वो दूर की जो चीज़ होती है जो आपसे पढ़वाते हैं, उसकी दूरी दोस्तों कोई फिक्स नहीं होती है भाई, कभी कभी वो 16 फीट कर देते हैं, कभी कभी 20 फीट कर देते हैं, वो नापते नहीं है, उन्हें डॉक्टरों को खुद अंदाजा होता है कि हाँ यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी। मुझे जो पढ़वाया था वो अंदर पढ़वाया था, एक हॉस्पिटल के अंदर, और एक उनका चिकित्सालय होता है अंदर ही भी है सबका, वहाँ पढ़वाया था, तो मुझे दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा था, रियल बात तो यही है। मैं ए को पी पढ़ रहा था और वाई को एक्स पढ़ रहा था, कुछ ऐसी दूरी थी, क्योंकि इस आँख को जो बंद करवाते हैं ना, तो इस आँख को बंद करवाते हैं तो राइट हैंड से सही चमकता है, राइट वाली आँख से, और जब इसको करवाते हैं तो लेफ्ट वाली जो आँख है थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, ये आपके साथ भी होगा। तो आपको आँखों को दोस्तों ऐसे बंद नहीं करना है, ऐसे बंद नहीं करना है, आँखों को खोल के रखना है, ये जो अगर आप ऐसे भी करवाएंगे ना तो आँखों को खोल के रखना है, जैसे मैंने खोल रखी ना ऐसे रखना है, और इसको दोस्तों ऐसे करना है, अगर ऐसे करोगे तो भाई आँख पूरी भिज जाएगी और आपका दर्द भी होगा, ऐसे करके करना है ऐसे, ताकि आँखों को थोड़ी जगह मिल जाए यहाँ पर, और ऐसे आपका आँख रख जाए, ठीक है, ऐसे आपकी आँख रख जाए, इसलिए आंखों को बंद नहीं करना है। अगर आप आंखों को बंद करेंगे तो भाई आपको धुंधला दिखाई देगा, रियल बात तो यही है। और वो आपसे दोस्तों ABCD पढ़वा सकते हैं, और दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला के शब्द होते हैं AI EE इसे भी पढ़वा सकते हैं, और वो ऐसे ही पढ़वा सकते हैं कि बताइए इसका मुंह किधर खुला हुआ है, कुछ सी प्रकार से आकार का होता है, सी प्रकार से, सी ऐसे होगी इस साइड होगी, इस नीचे होगी, तो पूछेंगे बताइए इसका मुंह किधर खुला हुआ है, तो मुझसे वो भी पूछा था, जब मुझसे वो नहीं पढ़ा जा रहा था तो बोला कोई टेंशन नहीं है भाई, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा थोड़ा, तो ये पढ़ के दिखा, ये सांप दिखाई दे रहा, वो सांप दिखाई दे रहा था, मैंने वो पढ़ दिया तो उसमें मुझे पास कर दिया, तो इधर साइड खुला हुआ तो इधर उंगली करो, ऊपर खुला हुआ तो ऊपर उंगली करो, इधर साइड खुला हुआ तो इधर उंगली करो, इधर उंगली करो, तो सब कुछ दोस्तों क्लियर आपको बता देंगे, ठीक है। और ऑपरेशन वगैरह आपका हुआ है ना, तो ऑपरेशन का दोस्तों जल्दी में हुआ तो उसका डॉक्यूमेंट जो भी आपके मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उसके ऑपरेशन वगैरह के, वो उसको अपने साथ ले जाना, बाई चांस पूछने लगे कि भाई दिखाइए कब आपका ऑपरेशन हुआ, तो आप दिखा तो दोगे कम से कम कि इस चीज़ का हुआ था, ठीक है। पुराना हुआ है तो भाई बोल सकते हैं कि सर मेरा चोट लग गई थी, बोल देना कि सर मेरी चोट लग गई थी, बस ऐसे हुआ था, खेलते टाइम चोट लग गई थी। और भी कोई डिफेक्ट आपका है तो आप मुझे दोस्तों आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी जो भी आपके सवाल वगैरह है मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।